अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं लतीफ़ सलमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल लतीफ़ सलमान। ठीक है ना दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप 2007 में एक फ़ोटो को कैसे हम राउंड शेप में तब्दील कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर में फ़ोटो है और ये राउंड शेप में है। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रॉप इमेज इन राउंड शेप इन फोटोशॉप 2007। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं। फोटोशॉप में जाना होगा आपको, जाने के बाद आप यहाँ पे फाइल में जाके ओपन बोलिए। ओपन बोलने के बाद आप की फ़ोटो को चॉइस कर लें, कोई चूज़ कर लें आप कौन सी फ़ोटो को जो है सो राउंड शेप में तब्दील करना चाह रहे हैं वो फ़ोटो को, जैसा कि मैंने ये फ़ोटो लिया है। लेने के बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ऊपर जो है सो एपिकल मार्की टूल है, उस पर जो है यहाँ पे साइजेस नज़र आएंगे आपको। ये राउंड शेप का टूल मैंने लिया है। लेने के बाद आप जो है यहाँ पे फ़ोटो को इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट में जाइए, इनवर्स बोलिए। इनवर्स बोलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक टूल। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से मैजिक टूल के बाद बैकग्राउंड इरेजर टूल ले लीजिए। इरेजर टूल आपके इस फोटो पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे ही आप यहाँ से ब्रश का साइज भी बढ़ा ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर ले सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं में बहुत सारे शेप्स हैं और ब्रश के जो है सो साइज भी हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप रेस कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब आप जो है सो अपनी इमेज को सेव कर लें। कहाँ ये फॉर्मेट है, आप यहाँ पे पीएनजी में शेयर करें, पीएनजी में सेव करने से ठीक रहेगा। ये आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव करें, यहाँ पे आप फ़ोटो का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेव कर दिए। करने के बाद आप डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो जो है सो सेव हो चुकी है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से राउंड शेप में हम फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।